पाकिस्तान जुलाई 2018 में ही एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल हो गया था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने आतंकवादियों का साथ देना नहीं छोड़ा। इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान को अब ब्लैक लिस्ट होने से कोई नहीं बचा सकता, और जिस दिन ऐसा होगा पूरी दुनिया से पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद हो जाएगा। और ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में शामिल होने पर पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था ब्लैक लिस्ट हो जाएगी। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाएं पाकिस्तान को आर्थिक मदद देना बंद कर देंगी। मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर और फिंच जैसी अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां पाकिस्तान को डाउनग्रेड कर देंगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल मार्केट से फंड हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। खुद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने माना है कि इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को हर साल $10 बिलियन का नुकसान झेलना पड़ेगा। अब पाकिस्तान के पास एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में शामिल होने से बचने का एक अंतिम चांस है, क्योंकि जून में एफएटीएफ की वॉशिंगटन में बैठक होगी जिसमें पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ अपने सख्त कदमों के सबूत देने होंगे, जो वो शायद ही दे पाए। और जब पाकिस्तान एफएटीएफ में ब्लैक लिस्ट होगा तो वो ईरान और नॉर्थ कोरिया के बाद तीसरा देश होगा।